सो हाय हेलो गाइस यार, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को न्यू क्रिएटर की एबिलिटी दिखाने वाली हूँ, जिसके सामने हैकर के साइकम पानी लगेगा। प्लस मैं आप लोग को आज स्टाला क्रिएटर की एबिलिटी भी बताऊंगी। गजब। और मैं आप लोग को बताने वाली हूँ आप लोग का सीएस और फियर के अंदर में न्यू चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। वर्कारी में आप लोग को नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा ऑटो पायलट, और साथ में आप लोग को ऑटो डाउनलोड की न्यू सेटिंग देखने के लिए मिलेगी। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बहुत सारे अपकमिंग इवेंट्स भी दिखाने वाली हूँ, जो बहुत ही जल्दी स्टार्ट होने वाला है। गाड़ी के अंदर व्हीकल के अंदर आप लोग को नया ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, एक तो ऑटो पायलट का, मतलब आप लोग गाड़ी को छोड़ दो के ऐसे इसको मतलब क्लिक कर दो के तो ये जो गाड़ी है खुद ही अपने आप चलती रहेगी। और गाइस बाकी आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोग ऑटो पायलट कर दो के और गाड़ी जो है सीधा ही चलेगा, रोड पर ही चलेगा और रास्ता में मतलब खुद ही अपने रास्ता में इधर उधर चलेगा, तो गाइस ऐसा नहीं, गाड़ी किधर पे जा सकता है इधर उधर कहीं पर भी जाएगा, ठीक है। और बाकी इसी को दूसरा ऑप्शन आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा म्यूजिक का। आप लोग के पास जो भी म्यूजिक कैसेट है, आप लोग को जो भी म्यूजिक कार्ड मिलती है ना गेम में, उसको आप लोग यहाँ पे म्यूजिक में क्लिक करोगे तो आ जाएगा, और आप लोग गाड़ी चलाते चलते जो म्यूजिक है उसको सुन पाओगे। बट आप लोग जो लोफी म्यूजिक का आप लोग को कार्ड मिलता है, वही वाला आप लोग जो म्यूजिक है वो आप लोग सुन सकते हो गाड़ी चलाते चलाते। और गाइस एक अपडेट के बाद में सीएस रैंक के अंदर में एक न्यू चेंज आने वाला है। अपडेट के बाद जैसे ही आप लोग सीएस रैंक मोड लगाओगे तो आप लोग को यहाँ पे एशोप से गिरा हुआ आप लोग को यहाँ पे फोक से 7 एनिवर्सरी का ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग को छोटा सा गिफ्ट भी देखने के लिए मिलेगा जहाँ पे से लूट मिलेगा। और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो आप लोग को छोटा छोटा सा यहाँ पे लूट है वो आप लोग को मिलता रहेगा, और लूट भी आप लोग को लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 ऐसा मिलेगा, ज़्यादा लूट आप लोग को लेवल 4 में मिलेगा। और आप लोग ये वाले जो गिफ्ट बॉक्स है इसको गन से फोड़ोगे तो जाके आप लोग को लूट मिलेगा। और सेकेंड चेंज आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, आप लोग 1 राउंड जीत जाते हो, 2 राउंड जीत जाते हो, 3 राउंड आप लोग जीत जाते हो, फिर 14 राउंड में आप लोग को 7 एनिवर्सरी स्पेशली आप लोग को एक नया यहाँ पे सगा देखने के लिए मिलेगा, जो ओल्ड पिक है आप लोग को मिनी पिक देखने के लिए मिल जाएगी। और आप लोग गन लोगे यहाँ पे भी आपको और फिर से यहाँ पे गन लेने का मौका मिलेगा, कोई भी आप लोग जो गन है वो आप लोग यहाँ पे से ले सकते हो। और फिर आप लोग को यहाँ पे जो मिनी पिक है इसके अंदर में आप लोग को फाइट करना पड़ेगा, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो आप लोग का सीएस रैंक के। सो आप लोग को अंदर में ना ये वाला चेंज आप लोग को अपडेट के बाद में देखने के लिए मिलेगा, और अपडेट के बाद में आप लोग भूया करते हो तो आप लोग का 7 एनिवर्सरी वाला जो एनिमेशन है बहुत ही ज़्यादा मस्त वाला आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, ट्रॉफी वाला मजा आया। और फिर सेको वीआर गैंग के अंदर आप लोग खेलोगे अपडेट के बाद में तो आप लोग ऐसे वेडिंग लॉफी है आप लोग को कुछ ऐसे देखने के लिए मिलेगी, जहाँ पे आप लोग को ऐसा मिनी पिक है वो आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, पूरा ही मस्त आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और गरी ना उन्होंने बहुत दिन बाद ऐसा खुला खुला लॉफी दिया है जिसको देख के आप लोग को मजा ही आ जाएगा अपडेट के बाद में। और जो प्लेयर है वो भी आप लोग को 7 एनिवर्सरी के थीम में देखने के लिए मिलेगी। ऊपर अगर आप लोग को गोले के अंदर जाना है तो आप लोग को यहाँ पे जो पोर्टल है इसके अंदर में जो जगह है आप लोग को यहाँ पर आना है, और इसके अंदर में आप लोग को घुस जाना है। आप लोग जैसे ही घुसोगे तो यहाँ पे आप लोग को टाइम दिया जाएगा 1 मिनट 30 सेकेंड का, जहाँ पे आप लोग को यहाँ पे जो पॉइंट है वो आप लोग जितना भी क्लिक कर सकते हो। आप लोग को ये जो छोटा छोटा बॉक्स है इसको आप लोग हवे में जो बॉक्स है इसको आप लोग को फोड़ना है, आपका जो पॉइंट है वो प्लस होता रहेगा, और आप लोग को यहाँ पे एनमी भी देखने के लिए मिलेगा, एनमी को भी मारना पड़ेगा। और फिर आप लोग खुद ही यहाँ पे जो ग्लाइडर है ग्लाइडर की मदद से आप लोग यहाँ पर आ जाओगे, यहाँ पर आप लोग को गन की स्किन लेना पड़ेगा। आप लोग यहाँ पर कोई भी गन की स्किन लो, आप लोग को यहाँ पे जो गन है गन को बस आप लोग को लेना है, जैसे आपका ऊपर टाइम खत्म हो जाएगा तो फिर आप लोग इस वाले गोले में आ जाओगे, और आप लोग उस ऊपर में गोला है उससे आप लोग नीचे ग्लाइडर से आ जाओगे, सो बहुत ही ज़्यादा मस्त लगेगा आप लोग को। और फिर इसी को आप लोग को सेटिंग देखने के लिए मिलेगी एक न्यू, तो आप लोग यहाँ पे डाउनलोड पर आओगे, 3 डॉट पर क्लिक करोगे और आप लोग को यहाँ पे साइड में एक न्यू सेटिंग देखने के लिए मिलेगी, जिसको जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो ऑटो डाउनलोड है इसको ऑन करोगे तो आप लोग का सो फिर ऑटो डाउनलोड होता है सबसे, वो रुक जाएगा सब नहीं होगा।
और आपको फिर यहाँ पे सेकंड में ऑटो क्लियर देखने के लिए मिल जाएगा। अगर 30 दिन तक आप लोग ने वो चीज़ को यूज़ नहीं किया तो वो अपने आप डिलीट हो जाएगा, और आप लोग जो रोज़ यूज़ करते हो बस वही आपका डाउनलोड होगा, ऑटो डाउनलोड हो जाएगा। और लास्ट वाला आप लोग का जो रिपेयर आप लोग को देखने के लिए मिल जा रहा है, इसको आप लोग अगर आप लोग का कोई भी डाउनलोड कुछ नहीं हो रहा है तो आप लोग रिपेयर कर सकते हो सेटिंग को, और फिर आपका जो भी डाउनलोड नहीं हो रहा है वो हो जाएगा। फिर अगर आप लोगों को पता है जो कैसी क्रिएटर है ये तो इस अपडेट में आने वाले हैं, वो भी 45 के अपडेट में आने वाले हैं, बट एक और एक नया क्रिएटर आने वाला है और कैसी क्रिएटर की जो एबिलिटी है तो मैंने आप लोग को बताया था, ये सो बाउंड्री वही बनाती है। और बाकी सो टेस्ट वही सो न्यू क्रिएटर आने वाला है वो भी 46 अपडेट के बाद में, उसका सो एबिलिटी है वो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। और जैसे इसकी एबिलिटी को यूज़ करोगे तो आप लोग को यहाँ पे सो पॉइजन टाइप आप लोग यहाँ पे चारों तरफ से आग आग आ जाएगा, और आप लोग को ये सो आगे ये 30 सेकेंड के लिए आएगा, और 20 मीटर के अंदर में सो भी एनमी है वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो 20 मीटर के अंदर में सो एनमी है वो हाईलाइट हो जाएगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हैकर को फिर सो एनमी है वो ऐसा ही दिखता है। और इस क्रिएटर की एबिलिटी को यूज़ करोगे तो फिर आप लोग का सो एनमी है वो हाईलाइट हो जाएगा और वैसे ही दिखेगा, और आपकी सो मूवमेंट स्पीड है वो 100% हो जाएगा, मतलब 50% बढ़ जाएगी। तो वैसे ये हैकर से भी खतरनाक वाला क्रिएटर होने वाला है, और आपका जो आप मूवमेंट स्पीड है वो भी 100 हो जाएगा, साथ में आप लोग का जो एनमी है वो भी हाईलाइट हो जाएगा, जितने भी आपके एनमी आपके 20 मीटर के अंदर में रहेंगे। और फिर कैसे को अगर आप लोग किसी भी एनमी को जो गन से फायर करते हो ना तो वो एनमी किधर से आ रहा है ये सब आपको यहाँ पे हाईलाइट होके दिखेगा, और आप लोग कवर के पीछे भी आप लोग जो एनमी है उसको हाईलाइट यहाँ पे देख सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हैकर को भी ऐसे ही दिखता होगा और आप लोग को भी ऐसा ही दिखेगा आप लोग इस क्रिएटर की एबिलिटी को यूज करोगे तो। गजब। अगर फिर से एकदम पानी लगेगा इस क्रिएटर की एबिलिटी के आगे तो, और बाकी देखो गाइस आप लोग का जो नेक्स्ट क्रिएटर देखने के लिए मिलेगा वही था अलग क्रिएटर की जो एबिलिटी ये हो सकती है, जैसे आप लोग इसकी एबिलिटी को यूज करोगे तो कोई फिर सो नॉक एनमी है आपकी टीममेट ने नॉक किया या फिर आपने नॉक किया उसके पास में आप लोग पहुंच जाओगे, उसके ऊपर ही आप लोग पहुंच जाओगे, आप लोग जैसे ही क्लिक करोगे तो जो भी एनमी नॉक है उसके ऊपर में आप लोग टेलीपोर्ट हो जाओगे। सो ये सो एबिलिटी है ये MS Sony सर का हो सकता है, और ये एबिलिटी MS Sony सर की होगी, बट सो MS Sony जो क्रिएटर है था अलग क्रिएटर है वो जब फ्री फायर इंडिया आएगा तब आएगा, और फ्री फायर इंडिया आपको पता है कभी भी आ सकता है या फिर डेट वगैरह कुछ भी कंफर्म नहीं है, सो वेट करो। और बाकी इसी का जो हैकर की क्रिएटर है वो आप लोग को इस समय 45 अपडेट में नहीं होगी, 46 नहीं तो होगी 47 अपडेट में आप लोग को देखने के लिए मिलेगा। और फिर इसी को आप लोग को 16 जून को आप लोग को एक नया रिंग इवेंट देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर आप लोग को ईद स्पेशली ये जो पंडल है ये आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, जिसके पीछे में बहुत ही अच्छा इफेक्ट है, और साथ में आप लोग को ये जो बकरी के साथ में जो डांस कर रहा है ये वाला इमोट भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा इसी रिंग इवेंट के अंदर। और आप लोग का जो AWM स्किन है ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी, साथ में आप लोग का जो फ्रैंक का स्किन है ये वाला ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, और फ्रैंक की स्किन के साथ में आप लोग को यहाँ पे सो पैकपैक की स्किन है, सो 1-2-3 लेवल में आप लोग देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कैसे लग रहा है, पैकपैक की स्किन भी देखने के लिए मिल जाएगी। फिर आप लोग को ये सो गाय वाला जो आप पे टोपी है ये फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा, साथ में जो बकरी है बकरी वाली जो टोपी है ये फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी, और साथ में आप लोग का गाय बकरी वाला जो है अवतार है ये फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सो ये सारे आइटम आप लोग को एक ही रिंग इवेंट के अंदर में देखने के लिए मिलेगा, और ये रिंग इवेंट आने वाला इंडिया सर्वर में 16 जून को। और आप लोग के लिए आज के टू डेट अपडेट है, कल में आप लोग को ये जो आर्टिक फ्लो बंडल है इसका आप लोग को रिंग इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग को आर्टिक फ्लो बंडल का जो फीमेल पर्सन है फीमेल का बंडल है, फिर आप लोग को न्यू से समुराई की थीम में समुराई बंडल और उसका जो फीमेल पर्सन है ये फिर आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। सो आप लोग को कल आर्टिक फ्लो का जो बंडल है इसका रिंग इवेंट देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके अंदर आप लोग को 3-4 हज़ार डायमंड के अंदर में ये जो बंडल है निकल सकता है, और 1-2 हज़ार के अंदर में आप लोग का जो फीमेल का बंडल है वो आप लोग का सबसे पहले निकलेगा, क्योंकि फीमेल का बंडल निकलेगा फिर जाके सो आप लोग को इनमें से समुराई का बंडल है और सो आर्टिक फ्लो बंडल है वो आप लोग को निकलेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग का स्पिन करना है तो कल कर सकते हो, और बाकी गाइस आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करना फूल नहीं, तो चलो गाइस बाय बाय।